फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। एक नई सुबह के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। मैं सरोज पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। सारा काम धाम निपटा के दोस्तों हो चुकी हूँ तैयार। पहले जाऊँगी दुकान में, फिर देखते हैं आज कहाँ का ऑर्डर आता है कि कहाँ जाना पड़ता है। इसी प्रकार मेरे ब्लॉग में बने रहे। आज फिर निकल पड़े हैं हम अपने मिशन पे। तो फिर जा रहे हैं हम लोग। तो ये है हमारे सारे स्टार प्रचारक। तो भगवान इनकी मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। जो गांव का भी नहीं देखे वो हमने मुकेश नेगी जी के प्रचार में भी देखे थे, और एक बार पुनः गणेश गोदयाल जी के प्रचार में। जय श्री गणेश। ये है सिलकोट वाली नदी, और आजकल पानी का बहाव कम है। दोस्तों काफल भी खूब आ रखे इस बार, देखो अभी छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन हैं, लेकिन बढ़िया काफल आ रखे इस बार। फौज का भाव देख लो, तो दिखने ना तेरे को बहुत बढ़िया गांव। भैया मैं पहले बार आए हैं चाची कुमोली। नेल तो बहुत बार आए हैं। नमस्ते। हम तो बोले नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। पुराने दोस्त मिल रहे हैं, देखे बेटा की हटने ने। ये एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू बच रखी है, हैं क्यों नहीं मिल सकते? कल मैंने तुम्हारी बनाई थी ना वीडियो, आज तुम्हारी वीडियो बना रहा है। बहुत धूप लगी है, कितना हो टाइम? 4:45 हो गया है। तो हम खा रहे हैं थोड़ा सा मैगी, कि चलने के लिए कुछ शरीर के अंदर जाना भी चाहिए। तो गांव में आके तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। रोड हर जगह इतना चेंज हो गया है। खूबसूरत सा व्यू। ए बच्चों कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? क्या खा रहे तुम? दिखाओ तो ये क्या है, क्या बोलते हो उसको? चाय। क्या होता है इससे? इसको ज्यादा मत खाना, कभी कभी खाओ। हम भी खाते हैं हम भी खाते हैं, लेकिन ज्यादा मत खाना, ठीक है? ओहो, आज बहुत थकान लग गई है, क्योंकि आज बहुत धूप थी और आज हमने पैदल बहुत चला है, बहुत पैदल चले हैं आज, और थकान भी लग गई है। अभी हमने यहाँ पे खाई है मैगी, क्योंकि खाना खाने का तो टाइम मिल नहीं रहा है। तो इतना पैदल चले तो भूख भी लग गई थी, तो हमने मैगी बनवाई यहाँ पर, मैगी खाई। और हम अभी हमें और एक दो गांव कवर करने हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर को, फिर रहेगा कल का दिन। अच्छा कथा चु बाहर हो जाते फुट मारते जाता हूँ। और ये हम भी हैं, ये हम भी हैं, ये वो भी है, ये वो भी है, सब है, सब है। और यहाँ फसल हो रखी है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सी फसल हो रखी है। एक जगह इधर इधर पीछे, ये हमारे मुकुटधारी। अब मुकुटधारी का मीन्स समझाओ पहले मेरे को, पहले मुझे मुकुटधारी सारा सर भार अपने सर पे संभाला है। अच्छा हाँ, मुकुटधारी का मतलब समझाओ। ये हमारे मुकुटधारी, समझने वाले समझ गए गाइस। अच्छा आपका, मुझे नहीं पता ये क्या, पता क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं नहीं वो बोलूंगी। अब ये मुकुटधारी क्या है, ये तुम्हारा कोड वर्ड है शायद ना। गांव की ब्यूटी, यूँ बोलन प्राकृतिक सौंदर्य है चाची। जो सुकून सुकून गांव में ना, सही में वो और जगह नहीं है ना। खैर मैं तुम्हें ना सकूं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। कहीं जाओ दो चार दिन घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसके बाद अपना गाँव ही अच्छा है। दोस्त है ना, अच्छा लगता गाँव में। क्या मस्त हो के बच्चे खेल रहे कूद रहे, और फसल यहाँ कितनी अच्छी हो रही है। ये देखो यहाँ ये लहसुन प्याज
और धनिया यो नहीं आने बांदर क्या कितनी बढ़िया थी ना। अब यहाँ की मीटिंग भी हो चुकी है हमारी फाइनल और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बड़ी आज, क्योंकि हम लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग बहुत पैदल पैदल चले थे, तो अब हम लोग जाएंगे घर को। तो यहीं से अपने ब्लॉग को भी समाप्त करूँगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।